बात बीच में आ गई तो कुछ दिनों बाद 2 नवंबर को गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व ऐसा संगत जी, सबको याद होगा हम कितने चाव से सब मनाते हैं इसे। मेरे गुरु रामदास जी, उस दिन तो जब ऐसे कोई बड़े दिन आए ना सत्संग जी, दास तो बेनती करेगा कि रोज ही 12 बजे स्नान करके बैठ जाए करो, पर अगर नहीं होता तो कम से कम ऐसे दिनों में जब इतना बड़ा दिन हो ना, विशेष कृपा वर्ती है, तो जो 2:15 बजे श्री जपजी साहब जी के पाठ, श्री सुखमणि साहब जी के पाठ होते हैं रात को पहले कीर्तन से पहले, ऐसे दिनों में कम से कम जरूर उसमें हाजिर भर लिया करो जरूर, क्योंकि विशेष कृपा समझ तो विशेष कृपा, जो दाते हमारे यहाँ पर नहीं लिखी हुई विशेष उसे कहते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं लिखी हुई, उस दिन वो लेख बदल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कई बार कहा है छोटे मोटे राजा का जन्मदिन हो वो कैदियों को छोड़ देता है खुशी में, राष्ट्रपति चाहे साइन करके किसी की फांसी माफ कर सकता है, एक पृथ्वी के एक छोटे से राष्ट्र का राष्ट्रपति के हाथ में ताकत होती है किसी को फांसी माफ कर दे, भैया तो सृष्टि का मालिक है, देने पे आ गया, पता नहीं क्या क्या माफ कर देगा क्या क्या दे देगा। तो जब भी कोई बड़ा दिन हो उस दिन पूरी रात जागकर सिमरन किया करो, इस उम्मीद से पाछा पिछले सारे गुनाह बख्श दे और आगे के लिए सही रास्ते में डाल दे, अमृत वेले के दांत जो निर्मोलक है वो बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।